वेलकम टू द चैनल डिकोड हिस्ट्री। सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। टुडे we are going to discuss in details the remaining list of viceroys in chronological order. But before getting into the topic, I would request my viewers who haven't seen my previous videos on viceroys to please view that video first, as it will clear your concept, and most importantly, the list of viceroys I'm discussing is in chronological order. So it will be easier for you to interrelate. And please don't forget to check the description box, as link of my previous video on this very topic is provided. जैसे कि हम विसरॉय लॉर्ड रिपन तक डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, और उनके बाद लॉर्ड डफरिन से आज हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डफरिन फ्रॉम 1884 टू 1888, इस टाइम पे नोटिसेबल इवेंट एक ही था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय हिम। On 20th December 1885, Indian National Congress was founded, jinka Allan Octavian Hume General Secretary bana tha and W.C. Banerjee President. Next Viceroy is Lord Lansdowne from 1888 to 1894. In 1892, Indian Council Act was passed. In 1891, Second Factory Act was passed. Is Act mein Children below 9 years were prohibited to work and work hours को limit कर दिया गया था, मतलब 8 hours से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। Lord Lansdowne ने Durand Commission बनाया था ताकि एक line खींचा जा सके between British India and Afghanistan. Next is Lord Curzon 1899-1905. उनके टाइम पे बंगाल को टू प्रोविंसेस में पार्टीशन कर दिया गया था, एक बंगाल एंड सेकंड इज ईस्ट बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904 में पास किया, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता था, और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि ही एस्टैब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Next is Lord Minto from 1905 to 1910. He introduced Morley-Minto reforms. Is act ke hisab se Indians ke involvement governance of British India mein kam ya limited kar diya gaya tha. Next viceroy is Lord Harding from 1910 to 1916. उनके टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होने की वजह से कैपिटल ऑफ कैलकटा को शिफ्ट कर दिया गया था टू दिल्ली इन 1911। उनके टाइम पे एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया था। आवर नेक्स्ट विसरॉय इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921। उनके टाइम पे अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 डिक्लेयर हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू इट इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया था इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उनके टाइम पे रोलेट एक्ट ऑफ 1919 भी पास हुआ था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने विमेंस यूनिवर्सिटी पुणे में इंस्टैब्लिश किया था इन 1919। और उनके टाइम पीरियड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और ऐसे काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी हुआ था। नेक्स्ट विसरॉय इज लॉर्ड रीडिंग फ्रॉम 1921 टू 1926। उनके टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और इस इंसिडेंट में प्रोटेस्टर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद पुलिस एंड पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। ये एक वायलेंट मूवमेंट बन चुका था। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे स्वराज पार्टी भी फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट इज लॉर्ड इरविन
1926-1931। उनके टाइम पे साइमन कमीशन इंडिया आया था। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन 1930 और गांधी जी ने इरविन पैक्ट साइन किया था। 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। आई एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट गांधी इरविन एंड पूना पैक्ट इन डिटेल्स इन माई अपकमिंग वीडियोज। Our next viceroy is Lord Willingdon from 1931 to 1936. Unke time pe Pune Pact sign hua tha aur second and third round table conference bhi hua tha. Unke time pe British Prime Minister Ramsay MacDonald communal award start kiya tha and most importantly Government of India Act 1935 pass hua tha. Our next viceroy is Lord Linlithgow, that is from 1936 to 1944. 1942 mein Cripps Mission India aaya tha and in 1942 Quit India Mission shuru hua tha. In 1939 Second World War bhi shuru ho gaya tha. Next is Lord Wobble 1944 to 1947। उनके टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था ऑन 25 जून 1945 में फेल हो गया था एंड 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को लॉन्च किया गया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था ऑन 9 दिसंबर 1946 में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट Lord Mountbatten, now he is the last Viceroy and first Governor General of Free India. His time period was from March 1947 to August 1947. 3rd June 1947 को इंडिया का पार्टीशन हुआ था and on 4th July 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था और उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था ऑन अगस्त 15th 1947। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक। प्लीज चेक द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द विसरॉयज व्हिच इज गिवन इन योर स्क्रीन। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एज इट इज गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। So today's question is, who established the Archaeological Survey of India? कौन से विसरॉय ने Archaeological Survey of India को establish किया था? You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye. Take care and please don't forget to like, subscribe and share.